कार स्टार्ट करते ही एसी को चलाकर दो पर कर दिया है, लेकिन आप ऐसा बस जब ही करें जब आपकी कार ठंडी हो, आपकी कार गर्म ना हो। मेरी कार छाए में खड़ी थी। देखिए अगर कार ज्यादा हीट होती है तो हमें एक इलाज ये करना पड़ता है, कार की विंडोज डाउन करके और शीशे खोल के ब्लोवर को अपना तेज कर दो, 3-4 की स्पीड पे कर दो नीचे पैरों की तरफ करके। इससे क्या होता है जो कार के अंदर जितनी भी गैसेस बनी होती हैं, कार उसे नीचे से उठा के सीट बेल्ट लगा लेते हैं, कार में जितनी भी गैसेस बनी होती हैं कार उसे नीचे से निकाल देती है। अब देखिए अगर आपको माइलेज चाहिए है, एसी दो तरीके से आपका काम करता है। लोग ये सोचते हैं कि हम कितनी भी स्पीड पर एसी के फैन को चलाएं तो वो एवरेज उतनी ही देगा, लेकिन देखिए एक बात बहुत कम लोगों को पता है। अब जैसे मेरी कार का एसी दो पर चल रहा है तो फैन की स्पीड दो पर है और कार का कंप्रेसर कंटिन्यूसली चल रहा है, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको यहीं एक पर कर देता हूँ तो ये कुछ कुछ देर के बाद जब इसको लगेगा कि कूलिंग हो चुकी है, कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद बंद हो जाएगा, जो मेरी कार का कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा और मुझे सिर्फ फैन ही हवा देगा। इससे के एवरेज में फर्क पड़ता है, एवरेज काफी अच्छी आएगी। वैसे देखिए एसी में ज्यादा पेट्रोल की कारें पेट्रोल लेती नहीं है क्योंकि लोड नहीं पड़ता उन पर इतना, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ये है कि मुझे बहुत अच्छी माइलेज निकलवानी है तो आप एसी को एक पर कर दें। एक पर करने से क्या होगा, जो कंप्रेसर है वो आपकी कार का कंटिन्यू नहीं चलेगा। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे, सभी ये बोलते हैं कि कंप्रेसर तो चलेगा ही चलेगा, ये 1, 2, 3, 4 जो होती है जो मैनुअल वाला के बता रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4 ये ब्लोवर की स्पीड होती है। ठीक है, वो बात उनकी ठीक है कि ये हमारी ब्लोवर की स्पीड होती है, लेकिन अगर हम एक पर कर देंगे तो हमारा ब्लोवर कंटिन्यूसली नहीं चलेगा, वो बीच बीच में गैप लेगा। अब एसी में भी देखिएगा कार अच्छी तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं दिक्कत क्यों बता रहा हूँ, कई कारें दब जाती हैं तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और कार में अब ये देखिएगा शोर भी कितना कम आ रहा है। और मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं एसी के बारे में, देखिए जो लोकल साइड के बंदे होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम एसी चलाएंगे तो कार ज्यादा फ्यूल लेगी, कंप्रेसर चलेगा, देखिए फ्यूल तो वो लेगा ही, लेकिन उन्हें इस बात का ये नहीं पता कि अगर हम कार के मिरर को डाउन करके चलाते हैं जिससे कि कार के अंदर हवा क्रॉस होती है आर पार, उससे कि हमारे कार का आरपीएम थोड़ा हाई लगता है। मतलब अब ये देखिएगा कोई इंसान चल रहा है, तेज हवा चल रही है तो उस आदमी को चलने में जोर लगेगा। ऐसे ही सेम गाड़ियों का है, अगर हम गाड़ी ड्राइव शीशे डाउन करके कर रहे हैं तो उसके अंदर से हवा क्रॉस होगी, जो हवा क्रॉस होगी वो उस कार को रोकेगी, मतलब उसको प्रॉब्लम होगी आगे जाने में, तो जो कार का आरपीएम है वो थोड़ा हाई रहेगा जिससे कि बात बराबर पड़ जाती है, कार फिर ज्यादा फ्यूल लेगी। तो देखिए गर्मी में भी दबोगे और भाई फ्यूल भी उतना ही लगना है, तो इससे अच्छा कार का एसी चला लो। और तीसरा फैक्ट ये एसी के बारे में, जैसे कि शीशे बंद करके चला रहे हैं कोई धूल मिट्टी कुछ भी नहीं आता कार के अंदर, लेकिन अगर आप शीशे खोल कर चलाते हैं तो जो कार का इंटीरियर है उसकी लाइफ ये समझ लीजिएगा बिल्कुल आधी हो जाती है, बहुत कम लाइफ हो जाती है। बिजली के तार देखिए भाई घेरे हुए हैं ये, तो देखे जैसे बिजली के तार है मैंने अचानक देख लिए हैं, तो ऐसी जगह से आप कभी भी रिस्क ना ले जाने का। अब क्या पता इनमें भाई देखे नंगे तार है ये, क्या पता इनमें बिजली हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो ऐसे तार पड़े हो कभी भी ना चले। देखिए मैं वीडियो बना रहा था लेकिन मेरा ड्राइव इन पर पूरा फोकस है। ऐसे आप कभी भी फ्रेंड्स के साथ चले या कहीं पर भी आए जाए तो अपना पूरा फोकस आप अपनी ड्राइविंग को दें, कभी भी ये ना दें। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है गियर डाउन और गियर अपर, मतलब गियर शिफ्टिंग पर होने वाली है ये, कि कौन से गियर में कार को कितनी स्पीड पर चलाना है, कितनी स्पीड में कौन सा गियर होना चाहिए है। देखिए ये वीडियो बिगनर्स के लिए ही है जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो या तो कार को बिल्कुल हाई आरपीएम पे करके चलते हैं, मतलब बिल्कुल ज्यादा रेस देके, या फिर वो ज्यादा बड़ा गियर कर देते हैं जिससे कि कार बंद हो जाती है। और एक भी चीज और इसमें मैं आपको स्टेयरिंग पोजीशन के बारे में बताऊंगा कि आपको स्टेयरिंग किस पोजीशन में पकड़ना चाहिए। देखिए लेफ्ट मोड़ रहे हैं पहले, तो फिर हमने लेफ्ट की तरफ देखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आ रहा है, चलते हैं। मेरी स्पीड अब थी 25 की और मैंने तीसरा गियर कर दिया कार का, तो इसका रीजन क्या था, कार इतनी स्पीड में तीसरे गियर में बिल्कुल आराम से चल सकती है। अब देखिए मैंने कार का चौथा गियर कर दिया है। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, सॉरी दो चीज का ध्यान रखें, पहली बात तो ये आपकी कार कभी भी हाई आरपीएम पे नहीं जानी चाहिए जिससे कि कार की लाइफ भी कम होती है, इंजन की, गियर बॉक्स की, क्लच प्लेट की, सभी चीजों की लाइफ कम होती है। ठीक है, हाई आरपीएम पर कार को कभी ना जाने दे। और दूसरी चीज ये है कार का आरपीएम इतना भी लो ना करें कि वो बंद हो जाए, या गड्ढे है देखिए बिल्कुल आराम से चलना पड़ रहा है मुझे। इस टाइम कार अपनी है भाई हाफ क्लच पर, लेकिन अब मैंने देखिए पूरा क्लच छोड़ दिया है, तो ऐसी जगह पर आप भी जब भी कहीं चल रहे हैं तो पूरा क्लच को छोड़ दीजिए, देखिए गड्ढा है ये। और दो चीजों का हमेशा ध्यान रखें, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर के बंपर का, देखिए जहां से जैसे अब ये आ गया है यहाँ पर गड्ढे, तो मैं थोड़ा ऊपर से करके ले आऊंगा इसको,
ताकि कार इसमें लग ना जाए। ये देखिएगा भाई, थोड़ा सा ऊपर से करके लिया मैंने, दोनों साइड मिट्टी के टीले थे तो दोनों टीलों के ऊपर से मैंने टायर को चढ़ाया है। अगर मैं एक टायर को चढ़ाता तो कार एक साइड से नीचे से लग जाता, बम्पर लग जाता गाड़ी का। अब हमें राइट में जाना, तो मैं फिलहाल गियर चेंज नहीं कर रहा हूँ, कार तीसरे गियर में ही चल रही है, क्योंकि क्या फायदा एक सेकंड के लिए गियर चेंज करके। यहाँ पर दूसरा गियर करूंगा ही करूंगा, चाहे कोई आए चाहे ना। देखिए स्कूटी सिखा रहा है इस लड़की को, तो लर्नर वाला कोई भी हो भाई, उनको थोड़ा गैप दे, डिस्टेंस दे थोड़ा, जिससे क्या होगा देखिए सेफ्टी भी रहेगी, आप दोनों के एक्सीडेंट नहीं होगा और उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई भी लर्निंग वाला व्हीकल चल रहा हो, ये तो स्कूटी वैसे सिखा रहा था, कोई रोडवेज वाली बस होती है लर्निंग वाली हैवी लाइसेंस की, या भाई किसी कार के पीछे लर्निंग का स्टिकर लगा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखे, उसे गैप दे थोड़ा। अब कार चौथे गियर में है, स्पीड है मेरी 40 की और स्पीडोमीटर कह रहा है कि गियर छोटा करो। तो चलिए भाई स्पीडोमीटर की मान लेते हैं अभी नहीं, लेकिन देखिए आप सभी यही गलती करते हैं, ये यहाँ पर खड्डी थी, ब्रेकर है यहाँ पर, तो इतनी दूर से ही लोग गियर चेंज कर देते हैं, जो कि क्लच प्लेट की और इंजन बॉक्स की लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। जब आपके सामने बिल्कुल ये आ जाए ना कि 5-10 मीटर पर है, 5 मीटर पर मान लीजिए, 5-10 मीटर पर ही, तो उसके बाद ही आप गियर छोटा करें। देखिए पहले आपने गियर छोटा कर दिया और आप क्लच तो छोड़ोगे नहीं, क्लच छोड़ दिया तो कार हाई आरपीएम पे एकदम चली जाएगी, ज्यादा आवाज करेगी, तो आप क्लच को पकड़े रखोगे, दबाए रखोगे तो इससे क्या होगा, जो क्लच प्लेट है वो हमारी जल्दी घिसेंगी, जहां पर वो 50,000 किलोमीटर चल रही थी वहां पर वो मुश्किल से 30-32,000 किलोमीटर ही चलेंगी। अब एक गलती और देखिए, जैसे कि मैं यहां से आ रहा हूं, मेरी लेफ्ट साइड में रोड इतना गंदा है, कार का अलाइनमेंट जब भी बिगाड़ देता है, लेकिन मोस्टली पीपल वहीं से आते जाते हैं। देखिए भाई जो ये वाली लेन है ये साफ सुथरी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी भी कार को ऐसे रोड पर ना चलाएं जिससे कि अलाइनमेंट बिगड़ सके। देखिए कितनी रोड पत्थर बज रही है, बहुत सारी खाड़ी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्रिज आ गया, खाली पड़ा है, तो ये देख के हम कार को ज्यादा पेलेंगे नहीं, बिल्कुल प्यार से स्मूथली चलाएंगे। देखिए फोर्थ गियर में है कार, आरपीएम है मेरा 1200। आपको मैं बता रहा हूँ ना, बार बार आरपीएम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीटर में ध्यान रखोगे, ऐसा तो भाई गाड़ी ठुक जाएगी। आरपीएम का मतलब ये थोड़ा अंदाजा हो जाता है। देखिए कार ने जैसे साउंड करनी चालू कर दी थी, तो साउंड करने के बाद मैंने कार का एयर बढ़ा दिया है। अब अपना थोड़ा देखिए भाई, जितनी कार चलाओगे ना उतना एक्सपीरियंस होगा आपको, तो आप खुद समझोगे कार का भी फर्क होता है। जैसे कोई कार होगी 800 सीसी की, कोई 1000 की, कोई होगी भाई अपना 1500 सीसी की, ठीक है, तो गाड़ियों का भी फर्क होता है। लेकिन मोस्टली आप स्पीड को इतनी रखें, पहला गियर तो सिर्फ जब यूज करें जब कार को मोशन में लाना हो, मोशन में आती दूसरा गियर कर दें, 2 मिनट 1 मिनट होती तुरंत तीसरा गियर कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आगे ट्रैफिक नहीं है, रास्ता है, तो चौथा गियर कर दें या फिर चलाएं, और हाईवे पर तो भाई 5वां भी कम लगता, 5वां 6ठा गियर भी,